तो फाइनली गाइज मुझे टैटू का बहुत शौक है, तो मैं सोच रहा था कि टैटू बनवा लूँ, पर मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं नेक्स्ट टैटू बनवा लूँ और वापस उसकी केयर भी कर सकता हूँ, क्योंकि टैटू बनवाने के बाद 7 या 10 दिन तक उसकी केयर करनी पड़ती है। तो आज फिलहाल मुझे इतना टाइम मिला है तो मैं सोचा था कि टैटू बनवा लूँ। ये देखो, ये मेरा रफ टैटू तैयार हो चुका है। ये सेम आकृति दे दें जिससे बनाने में आसानी हो। ये देखो, ये वो स्याही वाले निकालते हैं, ये मशीन है और ये टैटू की शॉप है जो बहुत ही अच्छे में और मीन सारे प्रोडक्ट एकदम जेन्युइन यूज करते हैं और स्याही भी एकदम ओरिजिनल वाली यूज करते हैं। ऐसे नहीं कि जो वो फेयर मेले वेले लगते हैं वहीं की स्याही मीन से वो डुप्लीकेट स्याही हर कोई वो सही नहीं, क्योंकि ये गर्दन का मामला रिस्की है तो फिर एकदम ओरिजिनल वाली स्याही यूज किए हैं। और नहीं ऐसे भी वे ओरिजिनल स्याही यूज करते हैं भाई, दुकान लेके बैठे तो कुछ तो आपको पता ही है ना। और देखो ये पहले वेस्लिन लगा रहे हैं, वेस्लिन से मीन्स वो मीन्स कोड़ने में बहुत ही आसानी हो जाती है। ये देखो अभी टैटू बनवाना स्टार्ट कर रहे हैं, ये टैटू बनाना स्टार्ट करते हुए आपको देखो पास से दिखाता हूँ कि थोड़ा दर्द होता है, थोड़ा क्या दर्द होता है और गर्दन पे तो आपको पता ही है कितना दर्द होता है। तो फिर गाइज किसी को अगर बनवाना हो तो ये मैं एड्रेस डिस्क्रिप्शन में भी एड्रेस दे चुका हूँ और इधर भी आपको बता देता हूँ, सरदारपुरा बी रोड पे और मूमल ब्यूटी पार्लर के सामने वाली रोड पे ये टैटू की शॉप है, तो आप इधर आके विजिट करें। और आपको बता दूँगा मीन्स भाई बहुत ही अच्छे हैं, जैसे आप करवाना चाहते हैं वैसे टैटू, और रेट भी ऐसे नहीं कि ऐसे एक बोल दे ये थोड़ा ऊपर नीचे भी कर लेते हैं। तो चलिए देखते हैं अभी टैटू बनवाए वो आप देखिए। तो गाइज मेरे ब्लू स्याही का काम पूरा हो चुका है, अभी इसके अंदर रेड स्याही भरी जाएगी वो हम आपको दिखाएंगे, वीडियो में बने रहेगा। मैं आपको मीन्स सजेशन करता हूँ कि अगर आप किसी को मीन्स राजस्थान से हो तो या फिर कोई राजस्थान से बाहर से हो जोधपुर घूमने के लिए आए हो तो फिर यहाँ से टैटू बनवा सकते हैं। जोधपुर में देखो बी फर्स्ट रोड बी रोड पे ऑपोजिट है मुमल ब्यूटी पार्लर के सरदारपुरा में। ये देखो आप वीडियो में देख सकते हैं अब मेरी रेड स्याही भरी जा रही है, ये पहले ब्लू स्याही भरी अभी रेड स्याही भरी जा रही है। इस टैटू बनवाने के बाद एक वेस्टलिन का जो मीन्स मिनी पाउच होता है वो आपको कैरी करना होता है, ये इस टाइप का, जिससे मीन्स कितनी बार लगाना होता है? 2-3 बार दिन में, 2-3 बार। अच्छा वो नहाए तब मीन्स कितने देर तक पानी नहीं लगवाना? स्नान करने के बाद नहीं, मीन्स कितने देर तक कैरी करना? नहाने से पहले लगा देना पानी, 5-6 दिन तक। 10 दिन तक। अच्छा 10 दिन तक मीन्स। जो कोई भी भाई वहाँ जाके अगर रिस्की ग्रुप का नाम लेके कहेगा तो उसको डिस्काउंट जरूर मिलेगा।